आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 फिल्म के बारे में। ये फिल्म कुछ रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। मूवी शुरू होने से पहले जो डिस्क्लेमर दिखाया जाता है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, पर क्रिएटिव लिबर्टी के चलते बहुत कुछ चेंज भी किया गया है, जिसमें कि 2015 से लेकर 2019 तक की स्टोरी लाइन है। और इस स्टोरी लाइन को हमें चैप्टर वाइज समझाया भी जाता है, जिसमें कि सभी एक्टर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि कास्टिंग डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग ऑन पॉइंट लगती है एंड सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से निभाया है। स्पेशली यामी गौतम एस जूनी, उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को दिखाया है, कहना गलत नहीं होगा, उन्होंने इस फिल्म में अपनी बेस्ट एक्टिंग दी है। ये फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें फालतू के डायलॉग्स, फालतू के जोक्स कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ये फिल्म धीरे धीरे चलती है, जिससे आपको लगेगा कि ये फिल्म थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर जिस बात को डिटेल में दिखाया जाता है उसमें टाइम तो लगता ही है। जैसे कि फिल्म में टॉपिक आर्टिकल 370 के बारे में है और फिल्म में मोदी सरकार भी दिखाई गई है। वैसे फिल्म 2 घंटे 40 मिनट की है, जिसका फर्स्ट हाफ स्टोरी सेटअप करता है, वही सेकेंड हाफ में पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़खानी की गई है और आर्टिकल 370 किस तरह से हटाया गया था, वो सब डिटेल में दिखाया गया है। एंड स्टार्टिंग में अजय देवगन की आवाज़ में शॉर्टली आर्टिकल 370 के बारे में भी समझाया गया है, जिससे कि उन लोगों को भी समझ आ जाए जिन्हें आर्टिकल 370 के बारे में नहीं पता। आप इस इंफॉर्मेशन के लिए भी इस फिल्म को देख सकते हो। अब मूवी में कितना करेक्ट दिखाया है सब कुछ तो ये कह नहीं सकते। क्रिएटिव लिबर्टी के चलते स्टोरी को थोड़ा फिक्शनल भी किया जाता है। फिल्म की अच्छी पॉइंट्स की बात करें तो ये फिल्म अपने टॉपिक पर बनी रहती है, कहीं पर भी भटकती नहीं, और फिल्म का BGM बहुत बढ़िया है जो कि आपको बांधे रखेगा। एंड फिल्म के करेक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन फिर भी फिल्म बहुत स्लो फील होगी। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है तो आप इसको देख सकते हो फैमिली के साथ। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 out of 5 stars। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।